पूरे देश के साथ मेलजोल रखकर असम के हाइलाकांडी जिले में भी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाई गई। इस उपलक्ष्य में बुधवार हाइलाकांडी जिले के जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय में दोपहर 11 बजे जनसंपर्क अधिकारी सज्जादुल हक चौधरी के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हाइलाकांडी जिले के जिला उपायुक्त निसर्ग हिबड़े गौतम और विशिष्ट अतिथि के तौर पर बराक घाटी के जाने माने पत्रिका दैनिक नववार्ता प्रसंग के मुख्य संपादक हबीबुर रहमान चौधरी ने अपना आसन अलंकृत किया। तत्पश्चात आमंत्रित विशिष्ट पत्रकार और बाकी सभी पत्रकारों को गमछा पहनाकर जिला उपायुक्त हिबड़े निसर्ग गौतम ने सम्मानित किया। गौरतलब हो कि साल 2022 में असम यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म के मास कम्युनिकेशन में स्वर्ण पदक प्राप्त हाइलाकांडी शहर के फरहत सुल्ताना बड़भुइया को जिला जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय के पक्ष से संबोधित किया गया। तत्पश्चात हाइलाकांडी जिले के जिला उपायुक्त निसर्ग हिबड़े गौतम ने गणतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाला पत्रकारों को सम्मान और हर किस्म से सहयोग करने के लिए जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को सलाह दी। नमस्कार, मैं सिप्रियन डायस आनंद भारत हिंदी नेशनल न्यूज चैनल में आप सभी जनों को स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं ले आया हूं आप लोगों के पास एक बड़ी खबरें। पूरे देश के साथ हाइलाकांडी में भी आज प्रेस डे मनाया गया बड़ी धूमधाम से। इस उपलक्ष्य में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ हमारे जनसंयोग अधिकारी के कार्यालय में, यहाँ पर हमारे हाइलाकांडी जिले के वरिष्ठ पत्रकार लोग मौजूद थे। हमारे हाइलाकांडी के जो डीसी है, जिला शासक जो है, वो उपस्थित थे और डीसी चीफ गेस्ट थे और विशिष्ट गेस्ट के तरफ थे करीमगंज के एक न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर दैनिक नववार्ता प्रसंग, उस पत्रिका के संपादक महोदय स्पेशल गेस्ट थे और डीसी सर थे चीफ गेस्ट और भी कई सारे दिग्गज हस्तियां मौजूद थे। वहां पर पत्रकार सब लोगों को संबोधना दिया गया है और साथ में फरहाद सुल्ताना नाम का एक लड़की जो असम यूनिवर्सिटी से इस बार गोल्ड मेडलिस्ट जर्नलिज्म कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं, उनको भी संवर्धना दिया गया है। तो आप लोग पूरी तरह से वीडियो फुटेज में देख सकते हैं और हमारे हाइलाकांडी के जिले के जो डीसी सर है वो क्या कहते हैं, उनके मुँह से भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आप लोग वीडियो फुटेज में सब कुछ देख लीजिए। धन्यवाद। विस्तार से देखिए असम के हाइलाकांडी जिले से आर9 भारत के जिला चीफ ब्यूरो सिप्रियान डायास के रिपोर्ट में।